नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? विशाल उपाध्याय। विशाल जी, आप गाजीपुर में रहते हैं, बनारस में जॉब करते हैं जी। अभी बनारस ही जा रहे हैं और हम लोग गाजीपुर और बनारस के मध्य कहीं बैठे हुए हैं जी सर। आप पहले ऐसे एक शख्स मिले हमें जिन्होंने कहा कि राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है यूपी में, क्यों वैसा क्यों कह रहे हैं आप? सर, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करेगा आदमी, अपना घर का खर्चा देखेगा, अपनी जरूरत की चीज़ें आदमी देखेंगे। द टाइम बर्बाद करने से बेहतर कि आदमी अपना काम करे, कोई भी हो अपना काम करेगा, क्योंकि सरकार तो खिलाने नहीं आएगी। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, जो भी हैं, सरकार नहीं खिलाने आएगी ना। आप मेहनत करेंगे तभी दो वक्त की रोटी मिलेगी। इससे पहले आप कुछ बता रहे थे पीएम को लेके, को प्रचार करते हैं, राजनीतिक दलों को लेकर आपके कुछ विचार थे, जरा वो फिर से बताइए। असंतोष की बात है कि जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर आके प्रचार कर रहे हैं, क्या मतलब है? वो प्राइम मिनिस्टर को उनको प्रचार नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है उनका। उनको आदमी चुन के भेजा है एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रचार करने के लिए, घूम के कितने पैसे खर्चे होते हैं सब देखता है। नहीं नहीं, तो ये मान लीजिए वो अपनी पार्टी के लिए, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है भाई, वो कार्यकर्ता भी हैं उस पार्टी के, उसी पार्टी की सरकार है, तो अपनी पार्टी के लिए अगर वो कोई नेता प्रचार करेगा तो इसमें क्या बुराई क्या है? प्रचार करे सर, वो जहाँ पे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं तो एड ब्लॉक करते थक जाता हूँ, इतना हर जगह ऐड आता है, इतना पैसा खर्चा करते हैं लोग, हर जगह ऐड आता है, तो सबका आ रहा है ना। सबकी बात कर रहा हूँ ना, हर जगह आता है और हर पार्टी का ऐड आता है, टीवी पे ऐड, मोबाइल पे ऐड, आदमी ऐड ब्लॉक करते करते थक जाता है। आपका ये कहना है कि इतने पैसे खर्च नहीं होने चाहिए जी? हाँ। चुनाव में सर पैसे क्यों नहीं खर्च होने चाहिए? उसको अगर पैसे बचते तो उनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए? पैसे का एजुकेशन पे करें। अगर हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सबको पता है कि 2% जॉब है। इतनी बड़ी हमारी भारत जो बहुत बड़ा देश है, जॉब नहीं है, बच्चे अच्छे एजुकेशन, बच्चों को सबसे पहले गुमराह किया जाता है छात्र युवा के तौर पे, और उनको गुमराह कर दिया जाएगा, क्या तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ पे बच्चे गुमराह हो जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, नेताजी हमारा कर देंगे कुछ। ये है लोकल डिस्ट्रिक्ट पे होता है, आप भी हैं तो आप भी जानते हैं इस बात को कि हर जगह होता है लोकल डिस्ट्रिक्ट पे। तो अब उसके बाद क्या नौकरी नहीं मिल रही है? आप जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अगर बात किया जाए तो टॉप 10 हम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बात करें तो उनमें से भी सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, क्योंकि कुछ जब रोज़गार नहीं आएगा तो कहाँ से मिलेगा? ये उसकी जगह पे कुछ दे अपना अलग से प्राइवेट सेक्टर के लिए दे। अच्छा, जैसे ये सरकार है मोदी जी वाली, तो इसमें विदेशों से काफ़ी जो है इधर हिंदुस्तान में कंपनियां लाई जा रही हैं, रोज़गार के अवसर हैं। जैसे पीएम मोदी की योजना है कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, उसका अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, 10 लोगों को और रोज़गार दे सकते हैं, तो ये इसमें आप युवा हैं क्या सोचते हैं? सर, लोन लेने के लिए जाए तो पहले तो कर्मचारी वहाँ पे लेगा, ये है। आप कर्मचारी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो जी हाँ बैंक वो हिस्सा मांगते हैं, हाँ उनको भी चाहिए, तभी तो लोन पास होगा। लोन कहाँ से पास? बिना उससे नहीं पास नहीं होता लोन। आपने कभी कोशिश की थी क्या? सर नहीं सर। तो कैसे पता चला आपको? अब मैं देखा हूँ सर, मैं देखा हूँ हर जगह देखा हूँ, बिना कमीशन के लोन पास नहीं कर, बिना कमीशन कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अभी इसमें गलती भी जनता की है, अपना काम कराने के लिए जहाँ पहले 50 रुपया देना स्टार्ट की, फिर 100 रुपया, फिर 1000 रुपया देते गए, उनका मन बढ़ता गया। आप ही बताइए कि 6-6 साल लड़के तैयारी करते हैं, 8-8 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं? अगर 8 साल गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करता है लड़का, अगर 8 साल पहले अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा एजुकेशन लेके, आज की डेट में आज नेट सस्ता हो गया, हर चीज़ सारी एजुकेशन ले सकता है वो, चाहे तो बड़ी हमारे यहाँ बहुत सुविधा है सीखने की, अगर आप सीखने वाला आदमी रहे, लेकिन फिर भी 6 साल घर वालों का पैसा बर्बाद करते हैं, कोई मतलब नहीं है ना सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए 6 बर्बाद करते हैं, अपना 6-7 साल बर्बाद करेंगे, बैठेंगे नीचे क्यों रहते हैं? आप ही बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी बन जाता है 30,000 में, आज की डेट में ऑन रोड जमीन लेके बिल्डिंग खड़ा करेगा, पॉसिबल है? तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है कि मतलब सरकारी ये है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें ना। नहीं तो सरकारी जो सरकारी क्षेत्र में क्यों चाहते हैं लोग नौकरी? क्योंकि उसमें ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार है। हाँ, आराम थोड़ा मिलेगा, सुकून मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ प्लस पॉइंट मिला कि बीजेपी गवर्नमेंट में ये चीज़ अच्छी मिली कि
उनको भी काम दिया जा रहा है, वो चीज़ें ख़त्म होने लगी ऐस वाली जो नौकरी थी सरकारी। हाँ, मतलब पहले ऐसा होता था कि समय से नहीं आते थे, उसके बाद में पंचिंग सिस्टम लागू कर दिया गया। अब सरकारी स्कूल देख लीजिए, यहाँ पे लोग, मैं गया था अभी, जो जैसे पहले पड़ता है वोटिंग, पहले जितने लोग जाते हैं जहाँ उनका चुनाव पड़ता है वो लोग सबसे पहले वोट देते हैं। हाँ। तो इस बार मैं देखा था जितने रिजल्ट लोग हैं गए थे देने के लिए, क्यों उनको पेंशन की ज़रूरत है, स्कूल से टाइम से जाएंगे नहीं सरकार, आखिर क्यों नहीं हमारे यहाँ के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। प्राइवेट में रिक्शा वाले का भी चाहता है कि मेरा बेटा हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बातें हो रही है, यहाँ पे नहीं सुविधा मिलती है, यहाँ पे अच्छे कॉलेज भी है तभी तो जा रहे हैं लोग पढ़ने, अगर हमारे देश में सुविधा मिलेगी तो बाहर क्यों जाएंगे लोग। नहीं कहते यहाँ पे फीस अगर प्राइवेट ज़्यादा है, सीटें कम है, इसलिए वहाँ पे आसानी से हो जाता है मेडिकल। हाँ, तो क्योंकि वही चीज़ है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, अगर आपको हमारे यहाँ हर चीज़ें मिलेंगी तो बाहर क्यों जाएगा।